हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू सेशन। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है, इस बार के वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन हो चुका है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे तो कई नए चेहरे करोड़ों में खेलते नजर आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 21 भारतीय महिला खिलाड़ियों की जिन्होंने WPL 2023 की ऑक्शन में बाजी मारी है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप समेत 2028 में ओलंपिक से पहले भारतीय महिला टीम को जितना अच्छा टैलेंट पूल मिल जाएगा, उससे हमारी ओलंपिक्स की तैयारियों को लेकर भी नए खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन रहे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इस कैश रिच लीग में एंट्री की है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं 10 लाख की बिड पाने वाले खिलाड़ियों से। तो इसमें हैदराबाद की त्रिशा पूजिता हैं, जो 21 साल की हैं और उनको गुजरात जायंट्स के द्वारा खरीदा गया है। वो एक लेफ्ट हैंड बैटर हैं। इसके बाद 27 वर्षीय विकेट कीपर बैटर अपर्णा मोंडोल हैं, जो नॉर्थ परगनास बंगाल से हैं और उनको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। इसके बाद महाराष्ट्र की 29 वर्षीय पूनम खेमनार हैं, जो राइट हैंडर बैटर हैं और लेग स्पिनर भी हैं, इनको यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। इसके बाद 20 वर्षीय हरियाणा की अमनदीप कौर हैं, जो ऑलराउंडर हैं और इन पर मुंबई इंडियन ने बोली लगाई है। इसके बाद 27 वर्षीय मुंबई की साइमा ठाकुर हैं, जो राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं और इनको यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। अब आते हैं 19 वर्षीय मन्नत कश्यप पे, जो पटियाला पंजाब से हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं और लेफ्ट हैंड बैटर हैं, इनको गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। इसके बाद 26 वर्षीय तमिलनाडु की अश्विनी कुमारी हैं, जो झारखंड से खेलती हैं और राइट हैंड बैटर और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। अब आते हैं मुंबई की 21 वर्षीय फातिमा जाफर पे, जो राइट हैंड बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इसके बाद 23 वर्षीय तमिलनाडु की कीर्थना बालकृष्णन हैं, जो राइट हैंड बैटर हैं और लेग स्पिनर भी हैं, इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। अब आते हैं कर्नाटका की 24 वर्षीय सुभा सतीश पे, जो लेफ्ट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा है। इसके बाद 30 वर्षीय वडोदरा की तरन्नुम पठान हैं, जो राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं और इनको गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। दोस्तों 15 लाख में एक ही भारतीय महिला क्रिकेटर अश साजना को चुना गया है, जो कि 28 वर्षीय हैं और वायनाड से खेलती है, इनको मुंबई इंडियन द्वारा खरीदा गया है। अश साजना राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। 20 लाख रुपए में बात करें तो एक ही भारतीय महिला 19 वर्षीय दिल्ली की प्रिया मिश्रा को दिल्ली कैपिटल द्वारा खरीदा गया है। दोस्तों 30 लाख रुपए में सबसे पहले बिजनौर यूपी की 29 वर्षीय मेघना सिंह को गुजरात जायंट द्वारा खरीदा गया। मेघना राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। इसके बाद दिल्ली की 23 वर्षीय सिमरन बहादुर हैं, जो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड बैटर हैं, इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा खरीदा गया है। अब आते हैं हैदराबाद की 35 वर्षीय गौहर सुल्ताना पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं और राइट हैंड बैटर हैं और इनको यूपी वॉरियर्स द्वारा खरीदा गया है। इसके बाद कृष्णा आंध्र प्रदेश की 27 वर्षीय एस मेघना हैं, जो राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा खरीदा गया है। इसके बाद कर्नाटका की 31 वर्षीय वेदा कृष्णमूर्ति हैं, जो राइट हैंड बैटर हैं और लेग स्पिनर भी हैं, इनको गुजरात जायंट्स द्वारा खरीदा गया है। दोस्तों अब आते हैं 2023 WPL की टॉप 3 इंडियन बिट्स पे। तो इसमें 60 लाख के प्राइस में 37 वर्षीय अल्मोड़ा उत्तराखंड की एकता बिष्ट को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा खरीदा गया। एकता बिष्ट उत्तराखंड से पहली महिला इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वो भारत के लिए महिला T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। एकता बिष्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती हैं। इस बार के WPL की दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कर्नाटका की 22 वर्षीय वृंदा दिनेश बनी है, जो राइट हैंड बैटर हैं और लेग ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं और उनको यूपी वॉरियर्स ने 1.3 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस बार के WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी चंडीगढ़ पंजाब की 20 वर्षीय काशवी गौतम बनी है, जो राइट हैंड बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती हैं और उनको 2 करोड़ रुपये में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। तो इस तरह दोस्तों हमारे कई भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स को अच्छा रिवॉर्ड मिला है। उम्मीद करते हैं ये खिलाड़ी इस रिवॉर्ड को परफॉर्मेंस में बदलेंगे और आने वाले समय में ओलंपिक्स 2028 तक एक मजबूत टीम बनाएंगे। दोस्तों आपको किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जो भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकता है, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।